फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंद्र स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं इसके बारे में जानेंगे। एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे सब अट्रैक्टिव थंबनेल आप देख रहे हैं कि ये सब हमारे अट्रैक्टिव थंबनेल हैं। ठीक साथियों, ये सब अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाए आप सबको मैं इस वीडियो में इतना आसान तरीके से हम बताएंगे कि आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आप मोबाइल से थंबनेल नहीं बना पाओगे। इसलिए वीडियो के स्किप करके नहीं देखना है। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर से पिक्सल ऐप डाउनलोड करना है। चलिए, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ, आपको दिखाता हूँ पिक्सल ऐप डाउनलोड करके उसके बाद उसमें किस तरह से मोबाइल से थंबनेल बनाते हैं। चलिए, मैं आपको ले चलते हैं पिक्सल ऐप पर। ये साथियों, पिक्सल ऐप का लोगो है, आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, पिक्सल ऐप का यहाँ पर लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए, मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ इसलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होगा। चलिए, हमारा दोस्तों पिक्सल ऐप ओपन हो चुका है। ये हमारा पिक्सल ऐप है, देखिए यहाँ न्यू टेक्स्ट है, इसको क्या करना है हमें, यहाँ से देखिए डिलीट होगा, यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको डिलीट कर देना है इसको। सबसे पहले देखिए, मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आप यूट्यूब थंबनेल साइज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, यूट्यूब थंबनेल साइज़ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ 3 डॉट दिया है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ गया इमेज साइज, इस इमेज साइज़ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तुम्हारे पास इस कस्टम पे क्लिक करना है। जब कस्टम पर क्लिक करेंगे तो स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब थंबनेल। अब हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो हमें यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओके पर दबा देना, ये हमारा यूट्यूब थंबनेल साइज बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के लिए इधर से ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ऊपर हमारा क्या आ गया, कलर्स आ गया। अब कलर, इस पर कलर वाले पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से मुझे कलर, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। देखिए, मैं कलर पर करेंगे बहुत सारे कलर मिल गए, चाहे ब्लैक लीजिए, चाहे जो लीजिए, जो आपको पसंद हो आप कलर यूज कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको एक कलर ले लिया, कलर लेने के आपको इस सही वाले टिक पे आपको क्लिक कर देना है, हमारा कलर सिलेक्ट हो गया है। देखिए दोस्तों, अब मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है, मैं यूट्यूब थंबनेल कैसे लिखूँगा। देखिए, दूसरे पे यहाँ आ जाएंगे, तीसरे पे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखने के लिए आ जाता है, आपको दो बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इसको कट कर देना है, मैं इसको कट कर देता हूँ। देखिए, कट कर दिया। अब मैं इसमें लिखूँगा यूट्यूब थंबनेल, देखिए मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है, हमारा यूट्यूब थंबनेल लिख कर आ गया। अब देखिए दोस्तों, इसका हम कलर भी चूज कर सकते हैं, जो आपको कलर हो उस कलर में यूट्यूब थंबनेल को रख सकते हैं। साइज भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको जितना साइज रखना है आप रख सकते हैं। देखिए, साइज़ कहाँ से बढ़ेगा सब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सब प्रोसेस बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। देखिए क्या करना है, यहाँ आप
नीचे आएंगे तो यहाँ साइज लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको साइज चाहिए तो आप इससे बढ़ा सकते हैं, देखिए 50, 52%, 54, 55, आप जो भी साइज रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं, आपको सही पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको कलर, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, तो आपको कलर वाले पे क्लिक कर देना है। आपके पास बहुत सारे कलर आ जाते हैं, देखिए ब्लैक आ गया, जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर लीजिए, मैं ब्लैक यूज कर लिया। यूट्यूब थंबनेल सही पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉन्ट, फॉन्ट मतलब आप के जो ये लिखने के तरीके हैं, थोड़ा उसमें अच्छाई आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगा। देखिए फॉन्ट में क्या होता है, देखिए आपको कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। देखिए आर्ट एवरी फैक्ट फेस रेगुलर को कर क्लिक किया तो इस तरह का आ गया। अब मैं अमरनाथ बोल्ड को क्लिक किया, ओके कर दिया, इस तरह का यूट्यूब थंबनेल बन के तैयार हो गया। ये आपका साइज किस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ उस पर निर्भर करता है यूट्यूब थंबनेल। अब देखिए बैकग्राउंड भी मैं अपना चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो हमारा थंबनेल देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है, देखिए हमारा बैकग्राउंड है, इनेबल कर देना है। कोई भी बैकग्राउंड रख लीजिए, वाइट रख लीजिए, जो भी आपको पसंद हो उसको आप बैकग्राउंड में रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा दिया, मैं अपना ये इस कलर येलो कलर ले लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल, ये हमारा बैकग्राउंड इससे आ जाता है। अब स्ट्रोक, अगर आप इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं, एक और ऊपर से बॉर्डर बना सकते हैं, देखिए इनेबल कर दीजिए, वाइट हो, हमें वाइट कर दिया, स्ट्रोक आ गया, तो आप इस तरह का स्ट्रोक कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक को कट कर देता हूँ। इसी तरह बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों, इसके माध्यम से आप ये सब अपना कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। एडिट करना है तो आप इस एडिट वाले पर कुछ मिस्टेक है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। और दोस्तों अब उसके बाद मैं इसको क्या करना है, अभी इसके बाद कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इसको आपको लॉक करना है, तब आपका दूसरा लिखा जाएगा, नहीं तो आपको दूसरा टेक्स्ट नहीं लिख सकती। आपको लॉक कहाँ से करना है, आपको इस वाले ऑप्शन देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन इसको लॉक कर देना है। देखिए मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ देखिए लॉक आ गया, इस लॉक वाले पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, लॉक वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा, देखिए लॉक हो गया। आप इसको कट कर दीजिए, हमारा कट गया। अब दूसरा लिखने के लिए टेक्स्ट आ जाएगा, जब तक आप लॉक नहीं करेंगे तो आप दूसरा टेक्स्ट लिख नहीं सकते। आप फिर टेक्स्ट पर क्लिक करिए, दो बार इस पर क्लिक करिए, आपको लिखने का आ जाएगा। अब देखिए यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, देखिए मैं लिख दिया यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, ओके पर क्लिक करिए। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, अपने जहाँ भी आपको उचित लगे वहाँ आप जाके इसको सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिएगा, तो आपका ये टेक्स्ट लॉक हो जाएगा। अब फिर भी वही है, आपको क्या करना है, साइज को बढ़ा लेना है। यहाँ से मैं साइज को बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, मैं साइज को बढ़ा लिया, और आपको टिक पर क्लिक करना है। और अब मैं कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी कलर, देखिए मैं आपको येलो ले लेता हूँ, येलो कलर ले लिया, और बैकग्राउंड भी इसी तरह मैं ले लेता हूँ। फॉन्ट पे मैं अमरनाथ बोल्ड को यूज कर लेता हूँ, कैसे बनाए। अब बैकग्राउंड मैं कुछ ले लेता हूँ, आपको जो इच्छा हो बैकग्राउंड ले, मैं ब्लैक वाइट ले लिया, जो भी इच्छा है। मैं काला ले लेता हूँ बैकग्राउंड, और इसे स्टाइल भी, स्टाइल में आपका चेंज होता है, आपका देखिए बी स्टाइल हो जाएगा, ये तिर्यक हो जाएगा, इस वाले से अंडरलाइन हो जाती है,
इसलिए आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इससे आप कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर लिया, टिक कर दिया, देखिए अंडरलाइन यहाँ लग चुका है। इस तरह से आप स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं, तीन तरीके से आपको मैं बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी ले जाके आपको लॉक कर देना है। देखिए मैं लॉक कर देता हूँ इसको। अब लॉक करने के बाद दूसरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लॉक हो गया। अब नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, लॉक हो गया इतने पे। अब देखिए क्या होता है, ये चौथा में तीसरा में लेते हैं, ये तो बता दिया टेक्स्ट। अब कुछ अपलोड करना हो तो कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। देखिए क्या करना है, इधर से दूसरा आपको दिख रहा है, दूसरे पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा होगा इम्पोर्ट, देखिए यहाँ इम्पोर्ट लिखा हुआ है, आप सब देख रहे हैं। इस इम्पोर्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इम्पोर्ट पर आपको क्लिक करेंगे, आपका गैलरी का सारा फ़ोटो खुलकर आपके सामने आ जाएगा, तो आप कुछ भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इम्पोर्ट के माध्यम से मैं अपना ये थंबनेल अपलोड कर दिया हूँ। आप कोई भी इस पर कोई भी फ़ोटो, कोई भी थंबनेल, कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं। देखिए मैं लगा दिया, कहीं भी आप इसको सिलेक्ट कर, जब तक आप लॉक नहीं करेंगे आप कहीं भी आप इसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए मैं ऊपर कर दूँ, लॉक कर दूँगा, लॉक कर देंगे उसके बाद आपका ये कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही आपको हटाना है, लॉक को कहीं दूसरे जगह लगाना है, तब सबसे पहले आपको लॉक को हटाना होगा। जैसे लॉक को हटा देंगे, आप कहीं भी इसको नीचे लगा दीजिए। इसी तरह दोस्तों थंबनेल बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों हमारा यूट्यूब थंबनेल बनकर तैयार हो जाता है, हमें इसे डाउनलोड करना होता है। अब हमें डाउनलोड कहाँ से करना है इसके बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए इस ऑप्शन पर आपको जाना है, यहाँ पर देख रहे हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए लिखा है, लिखा सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। तो आपको क्या करना है, सेव एज इमेज पे आपको क्लिक करना है। तो हमारे पास ऑप्शन खुलकर आ जा रहा है, तो आपको कस्टम वाले पर क्लिक करना है। कस्टम वाले जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ अल्ट्रा दिखाई दे रहा है, अल्ट्रा, इस अल्ट्रा पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद अल्ट्रा लिख कर आ गया, और सेव टू गैलरी, आपको सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा थंबनेल गैलरी में डाउनलोड हो जाता है, आप उसको अपना थंबनेल कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह नए नए अपडेट आपके बीच लाता रहूँगा, इसलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।